अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। हमने 8th क्लास से कंप्यूटर के एमसीक्यू स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 2 करना है। इससे पहले हमने 6th क्लास के और 7th क्लास के कंप्यूटर के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। आप लोग उनकी वीडियो वॉच कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला 3 या 4 दिनों में हम इसको भी कम्प्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमने 9th और 10th के जस्ट एमसीक्यूज कम्प्लीट करने हैं कंप्यूटर के। उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग इस्लामियत रहती है उसको कम्प्लीट करेंगे। फिर हम बेसिक मैथ को करेंगे। तो जब तक एजुकेटर्स की जॉब्स अनाउंसड होंगी या आएंगी तो हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स है। इसके आज हम क्या देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स इज मे बी डैश डेट कैन बी इवेंट और द इवन अ पर्सन विच काजेज लॉस ऑफ द डाटा। अब सिक्योरिटी की वजह से कौन कौन से थ्रेड हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लॉस हो सकती हैं, और जो सिंगल किसकी वजह से होता है ये सारा, सिर्फ प्रोग्राम जी की वजह से होता है। अगर प्रोग्राम ऊपर नीचे हो जाए तो सारे के सारे चीज़ें क्या हो जाती है, हमारी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, देयर आर डैश टाइप ऑफ द थ्रेड्स। कितने टाइप के थ्रेड होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन से, वायरस की वजह से भी चीज़ें हैं। अब ये देख लें कि अगर मोबाइल में हो जाए तो मोबाइल भी हमारा कितना स्लो हो जाता है वायरस की वजह से। अगर ये लैपटॉप में हो जाए तो फिर सब चीज़ें क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। वर्म्स की वजह से, हैकर्स की वजह से और एडवेयर्स की वजह से, ठीक है, ये 4 नेम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर डैश इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन सिक्योरिटी थ्रेड। बहुत से कंप्यूटर का सबसे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेड कौन सा है, वो वायरस होता है। वायरस अब फ्लैश की वजह से भी आ सकता है, किसी भी वजह से आ सकता है, तो ये कॉमन ही होता है। ये खुद को क्या करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है कि अ वायरस डैश इट्सेल्फ बी अटैचिंग द कॉपीज टू अदर द फाइल्स। अच्छा है, सबको कभी देखें। नेक्स्ट इसमें ये आगे के वॉइस क्या करता है कि अपने आप को कॉपी करता रहता है, ठीक है, और स्प्रेड करता रहता है कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज़ में। जल्दी से ये क्या कर जाता है, फैल जाता है। तो ये क्या करता है कि रिप्लिकेट्स करता है और एक्सिक्यूट कर देता है किसी भी के थ्रू से। ये कॉपी करता रहता है और ये ज़्यादा जल्दी से फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और हमें इसके अंदर कोई भी वॉइस को ख़त्म करने के लिए चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, वॉइस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारा वॉइस में भी कास्ट। वॉइस किसकी वजह से होता है कि डैमेजिंग और डिलीटिंग की वजह से होता है। अरेज द डाटा फ्रॉम द हार्ड वेयर्स, हार्ड वेयर के अंदर सब जो भी डाटा डिलीट कर रहे होते हैं उसकी वजह से भी वॉइस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको इफेक्ट करता है और हमारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी कंप्यूटर डैश आर द प्रोग्राम स्टेट स्प्रेड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूज द एक्शन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो विदाउट यूजिंग द एक्शन को हम एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, वो होता है वॉर्म्स। वॉर्म को हम एक दूसरे दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा 50 वॉर्म स्प्रेड थ्रू द वॉर्म, किसके जरिए स्प्रेड होता है, नेटवर्क और इंटरनेट के थ्रिए, ठीक है। ये दोनों इनके साथ से क्या होगा, ये स्प्रेड होगा विदाउट नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू, ये क्या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर वॉर्म्स। कंप्यूटर वॉर्म्स की एग्जाम्पल कौन सी होती है, ब्लास्टर वॉर्म, ब्लास्टर वॉर्म्स होती है, और दूसरी जो होती है सार्सर वॉर्म्स एंड SQL स्लमर। ये सारी की सारी किसकी, वॉर्म्स की क्या होती हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं। नेक्स्ट है जी कंप्यूटर वॉर्म्स कैन बी इफेक्ट द कंप्यूटर बाय सम काजेज। वो यार कंप्यूटर किसके थ्रू से इफेक्ट कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय द फाइल। अच्छा नेक्स्ट ये क्या कहते हैं कि डिस्ट्रॉय द फाइल्स और स्लो डाउन कर देता है, स्टॉप द वर्किंग प्रोग्राम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। ये तीनों ही कंप्यूटर के इफेक्ट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है जी डैश सॉफ्टवेयर विच इज़ ऑटोमेटिकली प्ले, खुद ही खुद क्या हो जाता है, प्ले हो जाए, डिस्प्ले हो जाए, डाउनलोड हो जाए और क्या हो जाए, विदाउट यूजिंग टू द नॉलेज, नॉलेज को यूज़ किए बगैर ये सारे डिस्प्ले, डाउनलोडिंग और प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एडवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू ये चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर हैकर्स स्टील द सम टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन। लाइक कंप्यूटर जो हैकर्स होता है वो क्या करता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, फर्स्ट क्लाइंट और कस्टमर, क्लाइंट और कस्टमर के दरमियान के जो भी मालूम होती है उसको हैक कर सकते हैं, क्रेडिट डिटेल्स और पासवर्ड, क्रेडिट डिटेल और पासवर्ड को हैक कर सकते हैं, ई मेल एड्रेस को हैक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या सकती हैं, चीज़ें हैक हो सकती हैं। आज हमने 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इसके कुछ हमने एमसीक्यूज किए हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही है कि हम 4 से 5 दिन में इस 8th क्लास के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लें। उसके बाद जो हमारी रिमेनिंग इस्लामियत के एमसीक्यूज रहते हैं उनको कंप्लीट कर लें।
और फिर बेसिक मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोग कोशिश क्या करें कि डेली बेसिस पे इसको करते रहें ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। नेक्स्ट